IVF का सक्सेस रेट 100% होता है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। मेरे से पेशेंट्स कई बार आके सबसे पहले यही पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप मुझे IVF सजेस्ट कर रहे हैं तो इसके बाद तो मुझे पक्का कंसीव हो ही जाएगा ना, इसका सक्सेस रेट 100% होता है ना। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, ऐसा नहीं होता। IVF का 100% सक्सेस रेट नहीं होता। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर साक्षी बंसल, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, IVF स्पेशलिस्ट, MD ऑब्स एंड गायनी, DNB ऑब्स एंड गायनी विद सुपर स्पेशलाइजेशन इन IVF फ्रॉम कील्स यूनिवर्सिटी जर्मनी। तो आज का टॉपिक डिस्कशन का है कि क्या IVF का सक्सेस रेट 100% होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। IVF का सक्सेस रेट ऑन एन एवरेज 50-60% रहता है। IVF का सक्सेस रेट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपकी एज क्या है, आपका इनफर्टिलिटी का कारण क्या है, आपके हार्मोनल स्टेटस क्या है, आपका बायोलॉजिकल स्टेटस क्या है, आपके कौन से फैक्टर की वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही और उसको हम कितने हद तक ठीक कर पाए या नहीं, इन सब फैक्टर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके IVF साइकिल में आपको कितने परसेंट रिजल्ट मिलेगा। जनरली जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है तो एग क्वालिटी पुअर होने की वजह से IVF में भी सक्सेस रेट एक यंग पेशेंट से कम पाया जाता है। ऐसे ही अगर किसी को PCOD की प्रॉब्लम है तो उनकी एग क्वालिटी भी एक नॉर्मल इंसान से थोड़ी पुअर मिलती है, तो एम्ब्रियो क्वालिटी की पुअर होने की वजह से उनका सक्सेस रेट भी थोड़ा सा कम पाया जाता है। लेकिन हम फिर भी ये नहीं कह सकते कि IVF का सक्सेस रेट 0 है या 100 है। ऑन एन एवरेज 50-60% रहता है। अगर आपका एंडोमेट्रियल रिस्पॉन्स जो है वो पुअर है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो थिन है, पतली है, तो वो भी एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन में इंटरफेयर करती है, जिसकी वजह से आपका सक्सेस रेट जो है वो डाउन हो सकता है। इन एनी केस IVF इज़ नॉट अ 100% सोल्यूशन। ये चीज़ लोगों को समझनी पड़ेगी कि IVF भी एक इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट का एक जरिया है, लेकिन वो कोई रामबाण नहीं है कि जिससे कि 100% शॉर्ट कंसीव हो जाएगा। एक दूसरा मिथ बहुत कॉमन है कि IVF से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हमेशा के लिए क्योर हो जाती है और ठीक हो जाती है और आगे से इनफर्टिलिटी पेशेंट में से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये चीज़ भी एक मिथ है। IVF वन टाइम ट्रीटमेंट होता है जो आपको कंसीव करने में हेल्प करता है, लेकिन वो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को जड़ से सॉल्व नहीं करता। IVF आप आज के एरा में एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है और आप पेरेंट्स बन सकते हैं, लेकिन 100% सक्सेस रेट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। थैंक यू।